बोल चुके हैं, अब इनको बोलने दीजिए। इसे शपथ दिलाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं। पहले आप ले लो, पहले ये आप ले लो। जो जैसा करता है उसको याद में सही आता है। किरोड़ी लाल जी ने सत्य बोला है, सत्य बोलेंगे, पर आप हमेशा असत्य बोलते हैं, असत्य बोलेंगे। आज आया बोलने दीजिए, आइए। माने कई सदस्यों के बैठे बैठे न बोले, बोलिए विचार मैंने सुने। माननीय मुरारी लाल ने पूछा कि कितना पानी मिलेगा, और हमने बोहरा जी ने पूछा कि 75% डिपेंडेबिलिटी क्या बीमारी है। सुभाष जी ने पूछा कि एमओयू में क्या नया है, और वेब कोर्स से सर्वे कराओगे क्या, भविष्य में कैसे डीपीआर बनेगी, ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है, जो सवाल के जवाब में माननीय हनुमान जी ने कहा है, और यूनिस खान जी कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कितना पानी मिलेगा, वो 2500 MCF पानी बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एमपी ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और हमने नहीं किया। तो ये स्ट्रक्चर तो दिग्विजय सिंह के टाइम पे खड़ा हुआ था, तब गहलोत साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, इनको किसने मना किया स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, इन्होंने क्यों नहीं किया। अब मैं बताता हूँ राष्ट्रीय परियोजना की बात। आपकी एक जिद है, देखो प्रयास तो आपने भी किया, मना नहीं कर रहे, वसुंधरा जी की सरकार में बहुत हुए प्रयास, 1999 से हो रहे हैं, लेकिन प्रयास तो अपने जो सगर के 16,000 पुत्र थे उन्होंने भी गंगा जी को अपने धरती पे लाने के किए थे, लेकिन हमारे भागीरथ भजनलाल जी आ गए, इसलिए सब पर हमारी। अब इसमें बोलने दीजिए, बैठे बैठे ना बोलना है माननीय, आपके समय किसी को बोलने नहीं दिया, अब इनको भी बोलने दीजिए। अब जब इसमें नंबर आता नहीं है, इसमें राष्ट्रीय परियोजना की जीत इनको है, जैसे एक बच्चे को खिलौने की जीत हो जाती है, वैसी जीत है, वैसे इनकी जीत है कि हमें राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित की। एक पत्र है माननीय गहलोत साहब का, माननीय गहलोत साहब का पत्र है जो कमलनाथ जी को लिखा गया 8/7/2019 को, नोट कर लेना, और 27/1/2020 को कमलनाथ जी ने गहलोत के पत्र को यह कह के मना कर दिया कि आप 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाओ, तब हम सहमति देंगे, नहीं तो नहीं सहमति देंगे। लो, कर लो बात। अब ये बीमारी कहां से आई? ये बीमारी आई कांग्रेस के राज से। 11/11/1975 को आपका ही राज था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उसमें एक सर्कुलर जारी हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें कहा गया है कि दी क्राइटेरिया ऑफ 75% डिपेंडेबिलिटी मे बी कंटिन्यूड फॉर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी अगर किसी को मेजर प्रोजेक्ट सेंक्शन कराना है और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना है तो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए। आपने भेजा 50%, CWC की गाइडलाइन मानती है 75%, और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने भी माननीय सदस्य बीच बैठे बैठे नहीं, ऐसे ही एक 21 सितंबर 2004 को जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें डिपेंडेबिलिटी क्राइटेरिया तय हुआ, जिसमें था कि लोअर देन 75% वुड बी परमिसेबल ओनली फॉर द प्रोजेक्ट ऑन इंटरस्टेट में तो 75% ही चलेगा। तो जो आप दो बांध मध्य प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो यूनुस खान जी ने उठाया, वो इंटरस्टेट उनका मैटर था, इसलिए उन्होंने अपने बांध बना लिए। अब ये
ये कह रहे हैं कि आपने पीकेसी कैसे जोड़ दिया, इनको पीकेसी पे प्रॉब्लम है। और पानी पानी कितना मिलेगा ये एक बार मैं सबको संतुष्ट कर दूं, क्योंकि ये मामला ही ज्यादा उठाया गया, डाउट है कि पानी हमको पूरा नहीं मिलेगा। कोई 2000 बता रहा है, कोई 2400 बता रहा है, कोई 2500 बता रहा है, मैं पूरे आप नोट कर लेना, ये जो डिमांड के हिसाब से है। और इसमें जो हमने समझौता किया है, पता नहीं आपने 3150 का आंकड़ा कहां से लिया है, जज गई इनको 3150 3600 3900 5000 ये बोल रहे हैं, पर मैं आप पूछ लेना, आप पूछ लेना, आप तो ये कह रहे हैं 3510 पे समझौता हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। डिमांड हाँ डीपीआर मैं बता रहा हूँ डीपीआर, अब आप डीपीआर सुन लो, डीपीआर सुन लो मेरी, मैं अपना ये जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बीसलपुर एंड ईसरदा नोट करते जाना, अलवर जयपुर 128.03 MCM चाहिएगा, ईसरदा दौसा सवाई माधोपुर को 97.46 MCM चाहिएगा, जयपुर रूरल को 95.23 MCM चाहिएगा, टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ईसरदा इंक्लूडिंग लॉसेस 30% ये होगा अध्यक्ष महोदय 416.94%। फिर बीसलपुर डैम एडिशनल वाटर डिमांड फॉर बीसलपुर जो अब जो डिमांड आई है वो है 476.48 MCM, एडिशनल डिमांड फ्रॉम बीसलपुर इंक्लूडिंग लॉसेज 30% वो है 619.42%, वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डेफिसिट ऑफ बीसलपुर उसको चाहिए 442.92%, टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बीसल इंक्लूडिंग डेफिसिट उसको चाहिए 1062.34 MCM। अब वाटर रिक्वायर्ड बाई PHED MCM टू कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट इज 54 MCM, टोटल वाटर रिक्वायर्ड टू PHED जो पानी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट होगा जो प्रेजेंट आंकड़ा है जो हमने PHED से मांगा है वो चाहिएगा 1533.28 MCM। अब क्या आ गए, अब क्या, हाँ अब को पूरा करें, हाँ हाँ बिल्कुल करें, इंक्लूड नहीं, मैं आ रहा हूँ, वो 2051 तक के लिए है, 2051 तक के लिए। अब आया वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज, अब ये है ग्रॉस वाटर रिक्वायर इंक्लूडिंग 30% रिजर्वाइज लॉसेज ये 130 MCM, वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन सुन लो, वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन इज 565.82 MCM। अब वो कहाँ कहाँ है आप देख लो, जो 26 डैम में मुरारी लाल जी बोल रहे थे, बाकी के लोग बोल रहे थे, सुन लो मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। अरे आप माननीय सदस्य ये आपकी आदत बंद करिए, जो एक बार सुन लीजिए उसके बाद, जो 26 डैम आप बोल रहे थे, अरे आपके भी गलती लोगों की बात सुनिए, इन्होंने आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, बैठिए, बीच में बोलने की अनुमति नहीं है, आंकड़े पेश करो यार, आप डीपीआर की बात करिए और डीपीआर बेबकोस कंपनी ने बनाई है, आपने इस सबसे पहले पैसा के बांधों को भरने के लिए कहा था, आप मना करिए, आपको दौसा में पानी चाहिए, बिराजे, अरे आप फिर आपके बीच में फिर बोलेगा कोई, बैठिए मिस्टर रोहित, बैठिए सुनिए बोल। अब मैं आपको बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी जो 26 डैम इनिशियली ये बता रहे हैं, इनको चिंता है बाकी के डैम कहाँ गए, तो 26 डैम को 402 MCM पानी मिलेगा। अब जो हमने डिमांड की थी, आंदोलन किए थे, आप सुन नहीं रहे थे, तो आपने 53 डैम चिन्हित किए, क्यों मुरारीलाल जी 53 डैम चिन्हित किए, उसको मिलेगा 150 MCM पानी,
इन रूट मेरी बात सुनो, सुन लीजिए फिर, जहाँ से पानी चलेगा, क्या मैं सुनिए आपके भी कई बातें सुनिए, इन्होंने आपकी भी सुनिए, जहाँ से पानी चलेगा जयपुर तक वो 53 और 26 डैम हो गए जो रूट में पड़ेंगे। ये रूट में पड़ने वालों को 150 MCM, अजमेर के लिए 66.42 MCM और तोड़ी सागर के लिए 57.MCM और ये अपना मालपुरा इंदरगढ़ के लिए 25.195। अब ये हो गया 29.30 आप जो माननीय राजा खेड़ा, अरे बैठिए, अरे अरे चर्चा आधे घंटे की है, अरे अरे इनका विषय आने दीजिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य सुनिए, आपको भी सुना है इनको भी सुनिए, आपको भी रोहित जी आपको भी सुना है इनको भी सुनिए, आपके भी बातें इन्होंने सुनी है, आप भी सुनिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुनिए, आपका नंबर नहीं है, आपकी बात हो गई, अरे आपकी बात हो गई, आप सुन, आपको 5 मिनट दिए थे, आपने विषय रख दिया। बोरा जी ने कहा, बैठिए, माननीय सदस्य बिना अनुमति के न बोले, श्री हरी जी मीणा, बीजेपी में थी जो कांग्रेस में चली गई तो बदलती रहती है आत्मा, एक बार पूरा कर ले, अरे बीच में मत बोले, एक बार पूरा कर लेने, 29 और 30 हुआ अध्यक्ष महोदय, 400 इसलिए हम तो इनका सहयोग नहीं, नहीं कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बोलिए, ये आपसे ज्यादा बोल सकते हैं, 448 बोरा जी, 448 MCM पानी अपन धौलपुर लिफ्ट में ले रहे हैं। अरे भाई सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, एक बार सुनिए उसके बाद बोलिए। रोहित जी आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक दे रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं आप ही के क्वेश्चन पे, जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत ये बोलते हैं कि हम राजस्थान को 2412 MCFT पानी दे रहे हैं, या तो राज्यसभा में उनने आपको गलत फिगर दिए, ये बोल दें आप गलत फिगर दिए, इसमें 2412 मैं टेबल कर सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, टेबल कर सकते, आपको 2412 का फिगर उनने दिया और उनने क्या बोला कि राजस्थान को वी कांट गिव मोर देन दिस एंड वी विल नॉट बी गिविंग इरिगेशनल फैसिलिटीज, वी आर ओनली गिविंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू राजस्थान, दिस इज व्हाट माय इशू इज, आपके क्वेश्चन में लिखा है सर, मैंने नहीं बोला है, आप बोल चुके हो माननीय सदस्य, ये बात आप बोल चुके हो, रिपीट मत करेंगे, बोलिए। मैं मेरा वक्तव्य दे रहा हूँ, जो अब प्रेजेंट MOU में जो फाइनल होने जा रहा है, जिसकी DPR बनेगी, उसमें चारों DPR होगी, अभी 448 MCA पानी धौलपुर लिफ्ट को, इस प्रकार से हो गया 3378 MCM पानी, 3378 MCM पानी। अरे सब बोलोगे तो मैं आधे घंटे की चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी मेरे को, माननीय सदस्य आप तो बिराजो, आप बोल चुके हो, पानी है ही नहीं, आप बोल चुके हो, बैठिए, बता दीजिए MOU में कितना MCM पानी है, MOU में ये कितना मेंशन है ये बता दो बस, पानी नहीं है तो आप IRCP घोषित करके कहां से पानी लाते, क्षेत्र पे इतना पानी है ही नहीं, कितनी डिपेंडेबिलिटी पानी उपलब्ध होता सर, 50% हो जाए, इसका जवाब पानी मंत्री मैं दे सकता हूँ।
आप दे चुके, मेरे पास डॉक्यूमेंट भाषण हो गया, आपका भाषण हो गया, फिर औरों के घर में बनाएंगे, मेरे को चर्चा समाप्त करनी है। और अध्यक्ष महोदय, ये पिछली कांग्रेस की सरकार ईआरसीपी की मांग कर रही थी, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना, जवाब भी दिलाना है इनके, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ईआरसीपी को। लास्ट 2015-16 के बाद से किसी भी बड़ी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया, और अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी कर देते अध्यक्ष महोदय, तो 60% देता केंद्र और 40% राजस्थान को देना पड़ता। इसलिए केंद्र ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि केन बेतवा की लाइन पर ईआरसीपी प्लस पीकेसी को देने के बाद में ये एनपीपी का प्रोजेक्ट हो गया, और उस एनपीपी का प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में 90% मोदी जी देंगे और 10% भजन लाल जी। एनपीपी पानी पैसा नहीं चाहिए, अध्यक्ष महोदय, हनुमान जी ने एक प्रश्न पूछा है कि एनपीपी क्या होती है, नदियों को जोड़ना, सुरेश अटल जी के समय सुरेश प्रभु एक कमेटी बनी थी जिन्होंने 16 बड़ी योजनाएं चिन्हित की थी, उसमें उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा हुई थी, तो उसको भी मोदी जी ने सैंक्शन किया है। उसी तरह से पीकेसी पार्वती कालीसिल चंबन योजना को स्वीकृत करके राजस्थान को सबसे बड़ा उपहार देने का काम। अब ये कह रहे हैं कि हमने नवनेरा में इतना पैसा दे दिया, ईसरदा में इतना दे दिया, या आप घर से तो आपने दिया नहीं, हमारा पैसा था, बैठे बैठे न बोले, हमारा पैसा था, अरे जेब से कोई नहीं जाता। माननीय सदस्य, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, जेब से कोई नहीं लाता, आप भी नहीं लाते, ये भी नहीं लाते, ये दोनों जगह अध्यक्ष जी दोनों जगह वसुंधरा जी के समय भी लंबी पूरी राशि दी गई थी। एक दूसरा, इन्होंने क्या किया है, जल जीवन मिशन का जो पैसा था उसको डाइवर्ट करके ईसरदा डैम में लगा दिया, मेरा जिले की स्थिति में वहां से पैसा दिया है, जल जीवन मिशन का पैसा दिया है। ये कहां का पैसा कहां इसकी तो जांच कराओ, और जांच करा के जैसा पहला हुआ। अब अरे मंत्री जी को बोलने दो भाई, आप बीच में खड़े मत होइए, अंकित नहीं हो इधर जो बीच में बोले भाई। ये तो आपको जानकारी है कि पीकेसी आइडेंटिफाई हुई थी, बीच अंकित नहीं होगा, बीच में बैठे या बीच में बोलने जानो, उनका केवल उन्हीं का अंकित होगा, केवल उन्हीं का अंकित होगा, समय मत खराब करिए, आगे चल रहे हैं। आप बोला जी, आप दो तीन बार बोरा जी, ये तो मैंने आपको पत्र बता दिया कि मुख्यमंत्री बनते ही अशोक गहलोत जी ने कमलनाथ को पत्र लिखा था, आपके मंत्री ने मना कर दिया, और हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहमति दे दी, आप सहमति नहीं ले पाए, तो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, धन्यवाद तो दो, इनके तो पेट में गुठले पड़ रहे हैं कि सेंशन कैसे हो गया, सेंशन स्वीकृति पे आपत्ति है इनको, इसलिए भरपूर पानी मिलेगा, जो मैंने आंकड़े दिए उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज का विकास होगा, किसान का विकास होगा, और गांव में जो सेलिनिटी है वो खत्म होगी, और गांव को 40% आबादी को पानी मिलेगा भरपूर, और 2,80,000 हेक्टर जमीन सिंचित होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ईआरसीपी पे बहस समाप्त, अगला राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हो गया, ये हो गया, 1.5 घंटे की चर्चा थी, चर्चा हो गई, अब नहीं, अब कुछ नहीं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ। श्री अर्जुन लाल झिंगर, अब हो गई, इतना उत्तर आ गया, माननीय अध्यक्ष महोदय।